हाय फ्रेंड, आप सबका स्वागत है अनीता की रसोई में। फ्रेंड, आज मैं भिंडी की नई रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको आप ज़रूर बनाएंगे, एक बार देखेंगे तो इसको बार बार बनाएंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट रहता है ये सब्ज़ी। जब भी हमारे घर में ये भिंडी आता है तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए सब लोग बोलते हैं। चलिए इस रेसिपी को हम बनाते हैं। यहाँ 250 ग्राम हमने भिंडी लिया है, इसको अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसको अच्छे से पोंछ के साफ कर लिए हैं। और हम भिंडी के ऊपर और नीचे वाले डंठल को काट देंगे। देखिए ऐसे काट कट कर देंगे। और भिंडी में एक ऐसा लंबा सा चीरा लगाएंगे और ऐसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। देखिए भिंडी को हम ऐसा चीर लेंगे और ऐसे छोटे छोटे पीस में कट कर देंगे। भिंडी आप जैसा साइज़ में रहो वैसे आप कट कर लो। अगर भिंडी छोटा है तो उसको 2 पीस में कर लो और बड़ा हो तो उसको 3-4 भागों में ऐसे कट कर लो। देखिए हमने भिंडी पूरा काट लिया और इसको ऐसे चीरा लगा लिए हैं, कट कर लिए हैं। और यहाँ पर हमने 1 टमाटर, 2 मिर्ची और 1 प्याज लिए हैं और 1 कप और 1 कप हमने मूँगफली के दाने लिए हैं, इसको सिंग दाना भी बोलते हैं। और प्याज को मोटा मोटा पीस में कट कर लेंगे और मिर्ची को भी ऐसे कट कर लेंगे, टमाटर को भी ऐसे 4 भागों में कट कर लेंगे। सब हमने मिर्ची टमाटर को काट लिया है। अब एक तरफ हमने कढ़ाई गरम कर लिया है, उसमें मूंगफली के दाने को डाल देंगे और इसको चलाते हुए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मूंगफली के दाने को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, इसको हम एक प्लेट में अब निकाल लेते हैं। और कढ़ाई गरम करके थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डालकर मिर्ची टमाटर प्याज को भून लेंगे। इसको थोड़ा हल्के ही भूजेंगे, ज़्यादा इसको हमें पकाना नहीं है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए बस इतना इसको रखेंगे। देखिए हमारा मिर्ची प्याज का टमाटर का कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। इसको निकाल के इसका पेस्ट बनाएंगे, मिर्ची प्याज टमाटर का। और उसी कढ़ाई में हमने 3-4 चम्मच तेल डाल लिया है और ये जो हमने भिंडी कट कर लिए थे उसको हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, भिंडी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसका अच्छा कलर चेंज करेंगे, अच्छा ब्राउन कलर करेंगे इसको। और भिंडी में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्का डालेंगे नमक और इसको ऐसे चलाते हुए भून लेंगे। भिंडी में नमक डालने से भिंडी का स्वाद बढ़ जाता है, अच्छा भिन जाता है भिंडी में। और इधर हम मूंगफली के दाने और जो प्याज मिर्ची टमाटर भूजे थे उसको इसमें डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने इसको पीस लिया है और भिंडी हमारा इस तरह पक गया है, फ्राई हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए इसका कलर अच्छा चेंज हो गया है, थोड़ा लाल हो गया है। इसको ऐसे ही भिंडी को भून लेना है। अब इसको हम ऐसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और एक तरफ हम मसाले तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिए हैं और थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे। और इन सब चीज़ों को थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। देखिए ऐसा हम थोड़ा और पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है मसाले को,
थोड़ा ही पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। मसाला ऐसा तैयार करने से सब्ज़ी हमारा अच्छा बनता है। और एक तरफ हमने कढ़ाई गरम कर लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया है और जीरा सरसों का तड़का देकर जो हमने मसाले का पेस्ट बनाए थे उसको डाल देंगे और इसको चलाते हुए से भून लेंगे। हम तब तक भूनेंगे जब तक ये साइड में हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे। ऐसा तेल छोड़ दिए तो मसाला हमारा पक जाता है। अब हमने जो मिर्ची टमाटर मूंगफली के दाने को जो पेस्ट बनाए थे इसको डालकर ऐसे हम पका लेंगे। मसाले का घुमाते हुए पकाएंगे इसको। देखिए इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है। इसको एक दो मिनट तक ऐसे मसाले को भून लेंगे। गैस को हमें लो मीडियम पर ऐसे करके भूनना है। ऐसे चलाते हुए इसको भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला भुना गया है और उसमें हम जो भिंडी हमने फ्राई किए थे उसको इसमें डाल देंगे मसाले में। और इसको हम चलाते हुए आधा मिनट चलाएंगे। इसको बस पानी डाल देंगे। हमने जो मिक्सर के जार में मसाले पीसे थे उसी में पानी डालकर इस सब्ज़ी में डाल दिए हैं। पानी हमने एक कटोरी डाला है। आप अपने हिसाब से इसका ग्रेवी रख सकते हैं। और इसको हम चलाते हुए दो चार मिनट के लिए लो मीडियम पर ऐसे पका लेंगे। इसको थोड़ा देर के लिए पकने देंगे और इसी में हम थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। हम नमक उतना ही डालेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हमने भिंडी में थोड़ा नमक डाला था और उसे अपने टेस्ट के हिसाब से फिर से नमक डालेंगे ऊपर से। देखिए हमारा सब्जी भिंडी का बन के तैयार हो गया है। और इसमें हम हरा धनिया का गार्निश कर लेते हैं और इसको चलाते हुए इसे मिला लेंगे। भिंडी का सब्जी हमारा बन के तैयार हो गया है। देखने में कितना अच्छा दिख रहा है ये खाने में भी उतना टेस्टी रहता है। आप ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। यकीन मानिए ये सब्ज़ी बहुत अच्छा रहता है। घर में हमारे सब लोग यही बनाने के लिए भिंडी की सब्ज़ी बोलते हैं। भिंडी जब भी आता है तो हम एक बार ज़रूर बनाते हैं इसको। अगर कोई भिंडी का सब्ज़ी नहीं खाते होंगे तो ऐसे सब्ज़ी बना के देंगे तो बार बार ऐसे भिंडी की सब्ज़ी बनवा कर खाएंगे। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी रहता है सब्ज़ी। चलिए हम फिर इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको धनिया से गार्निश कर लेंगे। देखिए हमारा सब्ज़ी कितना अच्छा दिख रहा है। जितना अच्छा दिख रहा है उतना टेस्टी भी रहता है फ्रेंड। अब इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।